तो दोस्तों, कुछ समय पहले ये कविता मुझे WhatsApp पर मिली। कविता नहीं, इसका नाम है थर्मोमीटर, बुढ़ापा नापने का थर्मोमीटर। और मैंने एक सर काफी बार इसको पढ़ा खुद चेक करने के लिए, कहीं मैं तो नहीं बूढ़ा हो रहा हूं। क्योंकि एक अंग्रेजी के एक ऑथर है डगलस मैकआर्थर, जिन्होंने लिखा, यूथ इज नॉट एंटायरली अ टाइम ऑफ लाइफ, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि युवा होना, नौजवान होना, ये आपके एज के ऊपर निर्भर नहीं है, आपकी मानसिकता के, आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर है। तो यही कुछ लाइनें जो मुझे व्हाट्सएप पर मिली, मैं अक्सर इनको पढ़ता गया, सोचा आपके साथ भी आज शेयर करूं, ताकि आप भी चेक करें कि बुढ़ापा नापने का ये थर्मामीटर लगाकर कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप बूढ़े तो नहीं हो रहे। दोस्त बुलाएं पर जाने को दिल ना करे तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। बिना वजह अगर मस्ती करते बच्चों पर गुस्सा आ जाए तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। पत्नी की सहेलियों की जगह पत्नी पर ज्यादा प्यार आने लगे तो समझ लो कि आप बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो। धमाल मस्ती वाली फिल्मों की अगर आलोचना करने लगो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। अगर मस्त महफिल जमी हो और उस दौरान दोस्तों को मशवरा देने लग जाओ तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। डगलस मैकआर्थर की वही कहावत, यूथ इज नॉट एंटायरली अ टाइम ऑफ योर लाइफ, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। दुनिया के सबसे जो ओल्डेस्ट मैराथन रनर है, उनकी एज अब 105 साल है। उनका नाम है सरदार फौजा सिंह, और उनका एक शौक है नए शूज खरीदना, स्पोर्ट शूज खरीदना। मैराथन रनर हैं, हजारों की तादाद में उनके पास शूज हैं। और जब भी कोई पत्रकार उनसे मिलता है तो वो एक दो चीजों की बात हर बार करते हैं, एक तो अगली रेस कौन सी भागने जा रहे हैं और अगला जूतों का पेयर कौन सा लेने जा रहे हैं। अगर नए कपड़े खरीदने की इच्छा कम हो रही हो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। हर बात में युवाओं के फैशन पर टिप्पणी करने लगो तो ये समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। फूल पर गुनगुनाते भंवरे को देखकर अगर कोई रोमांटिक गाना याद ना आए तो समझ लो कि आप तबीयत से बूढ़े हो रहे हो। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय रेस्टोरेंट वाले सारे इस चीज को बहुत पसंद करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अगर घर के खाने की तारीफ करने लगो तो समझ लो कि आप मानसिकता से बूढ़े हो रहे हो। बेफिक्री छोड़कर अगर सर पर चिंता की टोकरी उठाकर चल रहे हो तो समझ लो कि आप बूढ़े हो रहे हो। बारिश हो रही हो और पकोड़ों की जगह अगर छाता याद आए तो समझ लेना कि आप बूढ़े हो रहे हैं। किसी और कवि ने बखूब लिखा है कि एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम हो जाती है, क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है। तो दोस्तों, कुछ भी हो, कितनी भी मजबूरियां क्यों ना हो, कितनी भी कश्मकश क्यों ना हो जो हम सबके जीवन में है, चेहरे की रंगत मत खोना। और ये आप एक लाइफ का एक मिशन बना लो कि मुझे अपनी उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होना, और साथ साथ एज के साथ जैसे जैसे एज के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं मुझे दिल से जवान रहना है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि झुर्रियां चेहरे पर पड़ती हैं, दिल पर नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।